This is make a cheese. Cheese is nice. Very nice cheese. This is nice cheese. तो आपने देखा मेरी पारो कितनी एक्साइटेड थी. पारो मेरी भतीजी चीज़ को लेके जब हम होममेड चीज़ घर पे बना रहे थे, चीज़ जो उसको पिज़्ज़ा में चाहिए, चीज़ जो उसको परांठा में चाहिए, और ये चीज़ मेल्ट करता है. आप उसे श्रेड कर लो, स्लाइस कर लो, ग्रेट कर लो, ये मेल्ट करता है, स्ट्रेच करता है, और बहुत ही आसान है घर पे बनाना. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है. इसके लिए मैंने लिया था 1 kg अनपेस्चराइज्ड मिल्क. लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्या पेस्चराइज्ड मिल्क से भी चीज़ बन सकता है तो ये वीडियो एंड तक देखिए. पहले हमें मिल्क को गर्म करना है, उतना गर्म करना है जितना कि आपकी उंगली या फिंगर बर्दाश्त कर सके या टॉलरेट कर सके. सो यू हैव टू हीट इट ओनली टू द पॉइंट दैट यू कैन टॉलरेट इट, योर फिंगर कैन टॉलरेट इट. वंस डन यू विल हैव टू ऐड एप्पल साइडर विनेगर slowly by slowly. I needed 4 tablespoons of apple cider vinegar for this, but you have to keep stirring it. आप इसको घुमाते रहिए. आप apple cider vinegar 4 चम्मच, या फिर अगर आप दूसरा विनेगर भी यूज़ करते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट आप लाइम जूस भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी में. मैंने 4 ट्रायल्स किए हैं होममेड चीज़ पे, लाइम जूस के साथ भी किया है और विनेगर के साथ तो किया ही है. बहुत बार मैं फेल हुई और जब मैं सक्सेसफुल हुई तो मैं चाहती थी आपके साथ मैं दोनों रेसिपीज शेयर करूं, पेस्चराइज्ड मिल्क के साथ और अनपेस्चराइज्ड मिल्क के साथ. तो आप घुमाते रहिए जब तक ये कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी. देखिए ये चीज़ की कंसिस्टेंसी है, ये पनीर नहीं है. तो आपको इसको थोड़ा देर पानी में रखना है, निकालना है, स्क्वीज़ कीजिए, ब्रिंग इट आउट ऑफ द वाटर, squeeze it, stretch it, then put it again in the water. फिर से पानी में डालिए, फिर से stretch कीजिए, squeeze कीजिए, उसका जितना moisture अंदर से निकल सकता है निकालिए, फिर पानी में dip कीजिए. At least 4-5 बार आपको ये step करना है. You have to repeat this step at least 4-5 times. Then after that you will need to heat this water once again and then add 1/2 teaspoon of salt. Continue to drop the cheese ball in the hot salty water. उसके बाद आपको ये पानी को गर्म करके इसमें 1/2 चम्मच salt मिलाइए, stir कीजिए अच्छे से, और फिर से ये जो cheese ball है इसको इस पानी में रखिए 1 मिनट के लिए. फिर उसको same process repeat कीजिए. Same process in the sense that you will have to stretch it, squeeze it, ताकि अंदर से liquid जो है निकल जाए. 2-3 बार ये स्टेप कीजिए. उसके बाद हमें यू विल नीड कोल्ड वाटर और आइस्ड वाटर. सो थोड़ी सी बर्फ़ ले लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, और हमें अपना चीज़ जो है उसको ड्रॉप करना है इस ठंडे पानी में. ठंडे पानी में ड्रॉप करने से क्या होगा कि जो चीज़ का कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और चीज़ जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाएगा. चीज़ विल स्टार्ट टू हार्डन and the cooking process will stop once you drop it into the cold water or chilled water. So you don't need to do it for a long time. You can drop it 2 times, stretch it, squeeze it, and then pack it in an airtight container and set it in the fridge. By next day or after 4-5 hours it should have set really well and it stays good for at least 20 days in fridge. So I experimented by trying homemade cheese in my pizza recipe, and barley pizza. Somebody requested the recipe, so I'll be posting that too. And it stretched, it tasted awesome, and it was an equivalent to store-bought mozzarella cheese. So this is my mozzarella cheese recipe, and if anyone wants the recipe of processed cheese, we'll do that too. I'm showing how to make cheese with pasteurized milk. So if you are wondering whether you can make cheese with pasteurized milk, yes, a big yes, my dear friends. आपको सब लोग बोलते होंगे आपको non-pasteurized milk चाहिए cheese बनाने के लिए. लेकिन मैंने 4 बार ये experiment किया है, 2 बार मैं successful हुई,
दो बार मेरी मिस्टेक्स की वजह से मैं फेल हुई, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आपको इसके लिए फुल फैट मिल्क चाहिए, मुझे फुल फैट मिल्क में ही सक्सेस मिला, टोंड मिल्क में नहीं, बिकॉज चीज़ इज़ आफ्टर ऑल फुल ऑफ फैट। सो इसको गर्म कीजिए और स्टर करते रहिए अनटिल ये गर्म हो जाए और आपकी उंगली मतलब उस टेम्परेचर आपको उतना चाहिए कि आप टॉलरेट कर सको दूध को, माने दही से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, जितना आप दही के लिए दूध गर्म करते हो उससे ज़्यादा चाहिए। सो यू विल नीड टू ऐड एप्पल साइडर विनेगर स्लोली बाय स्लोली। अगेन आई हैव टेकन वन लीटर ऑफ पेस्चराइज मिल्क हियर टू मेक चीज़ एंड आई एम एडिंग 1/4 कप ऑफ एप्पल साइडर विनेगर हियर लिटिल बाय लिटिल ओनली एंड स्लोली यू विल सी कि चीज़ कम्स आउट रियली क्विकली। देखिए जल्दी जल्दी से बनता है, ये पनीर से बहुत डिफरेंट होता है। पनीर जो है, पनीर को आपको कंटिन्यूसली हीट भी करना पड़ता है, लेकिन चीज़ को नहीं। चीज़ को आप हीट कर लीजिए, उसके बाद चीज़ बहुत ईजिली बन जाएगा। अभी घर में चीज़ बनाना बच्चों का खेल बन गया है, बहुत ईजी हो गया है, मुझे बहुत मज़ा आने लगा है चीज़ बनाने में। तो देखिए बहुत आसानी से ये इकट्ठा हो गया। पनीर क्या कभी ऐसे इकट्ठा होता है? आई डाउट, आई हैव नेवर सीन इट लाइक दैट। पनीर को आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ के लिए ये देखिए कितना ईजिली, और ये पनीर जैसे लगता ही नहीं है। ठीक है जी, सो यू विल एंजॉय मेकिंग चीज़ द सेम वे विद अनपेस्चराइज्ड एज वेल एज पेस्चराइज्ड मिल्क। सो आई हैव मेड इट विद बोथ काउज मिल्क एंड बफलोज मिल्क टू, सो यू कैन ट्राई both ways, you can try with both varieties of milk. After that you will have to repeat the same process. आपको ये जो water है इसको भी गर्म करना पड़ेगा और उसमें salt थोड़ा सा मिला के cheese को squeeze करते रहिए, drop करते रहिए पानी में, squeeze it, drop it at least 5 times. उसके बाद आप फिर ice water में डालिए और उसको अच्छे से उसको स्क्वीज़ कर दीजिए, ताकि उसके अंदर विनेगर फ्लेवर ना रहे और उसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस इजी पीजी रेसिपी टू मेक मोज़रेला चीज़ एट होम। इट्स सो इजी, सुपर सिंपल। होम मेड चीज़ इज़ एब्सोल्युटली यमी। इट स्ट्रेचेस, इट मेल्ट्स एंड इट इज़ सिमिलर टू दी स्टोर बॉट स्टफ। यू डोंट नीड टू बाय चीज अगेन वंस यू ट्राई आउट दिस रेसिपी। एंड इफ़ यू आर ईगर टू लर्न हाउ टू मेक प्रोसेस्ड चीज दैट स्टोर्स वेल, देन लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स, आई विल कम अप विद दैट रेसिपी टू। ऑफकोर्स अ हेल्दियर वर्जन देन वट यू हैव सीन इन यूट्यूब। सो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए। दिस गिव्स मी एम्पल इनकरेजमेंट टू कंटिन्यू माय एक्सपेरिमेंट्स एंड शेयर विद यू ऑल। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट विद येट अनदर हेल्दी रेसिपी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।